नमस्कार। आवाज में कैसे हो भी? अरे कैसे हो? बढ़िया हो? पक्का? टका टक जरा जी। हाँ देखो, अपन बात कर रहे हैं अभी तक आपने वैसे काफी सारी बातें की, अब अपन बात करते हैं एक चोल में है क्या। जैसे अपन बात करते हैं कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम के साथ अपने दिमाग में आता है कि किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न है, कैसे हम उस एग्जाम को पास कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सोच यही होती है कि कैसे न कैसे करके अपन सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया नंबर लेते हैं। भाई एक तो तकरीबन पढ़ते जा रहे हैं, और एक होता है कि एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है, उसमें क्या आएगा और किस प्रकार से मेरे ज्यादा ज्यादा नंबर आए। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कभी आपने बोल किया है कि एक एग्जाम की दो लोग तैयारी करे, एक 10 घंटे पढ़ रहा है, एक 6 घंटे पढ़ रहा है, और कई बार ये होता है कि रिजल्ट आता है तो 6 घंटे वाला पास हो जाता है। हाँ, एक तो 6 घंटे पढ़ता है और एक पढ़ता है 10 घंटे, लास्ट में पता चलता है कि 6 घंटे वाला तो पास हो गया और 10 घंटे वाला रह गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पढ़ने का तरीका है दोनों का, अपना सुनने को भी मिल जाएगा, गांव में कोई जुगाड़ हो भी हो क्या था जुगाड़ होने पढ़ तो 10 घंटा को और सिलेक्शन ही को आज हो ही नहीं सके, ये तो होगा ही नहीं। जबकि होता क्या है कि आपका जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का तरीका वो सबसे मेन है कि आप पढ़ जा रहे हो, आपने 12 घंटे कोई चीज पढ़ी और बाद में पता चला इसमें से एग्जाम में कुछ आना ही नहीं, वो 12 घंटे बेकार हो गए। आपने 3 घंटे पढ़ा लेकिन आपको पता है 3 घंटे के मैटर में से आपके पास 2% 100% आने, तो वो 3 घंटे फायदे होते हैं, 12 घंटे फायदे होते हैं। वो तीन घंटे और वो आपको किस हिसाब से लेना है। सबसे मेन चीज है कि जहां हम जिस एग्जाम की तैयारी करें, पहली चीज अपने दिमाग में होना चाहिए उसका पूरा सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, आप में और अदर एग्जाम में फर्क क्या है। जैसे मैं कंप्यूटर से पढ़ने जाता हूँ तो आपको कुछ अपनी बारीकियां, एक नॉर्मल से घंटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, सबको बताया 3+2 कितना होता है 5, सबको बताया। आप किसी भी एग्जाम में जाते हो सेंटर की, अपने SSC बैंक पटवार किसी भी, तो आपको कभी ये नहीं पूछता कि 3+2 = 2+3 नहीं पूछता। लेकिन मास्टरों को क्या पूछा जाता है कि 3+2 = 2+3 किस नियम के तहत। ऑप्शन देता है कर्म विधि में, साथ से लिए बंटन का नियम, तो आपके पास उनमें फर्क है, यानी कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है बेस। कि छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो किस प्रकार की चीजें आपके सामने आती है, यहाँ जड़ें पूछी जाती है और वहां आंसर पूछता है, यहाँ आपका बेस सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि टोटल जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, उसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस हर सब्जेक्ट का अलग अलग, जैसे मैं कहूँ जैसे आपने कहा कि फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल में मैंने कहा मैथ आती है, मैथ आती है 30 नंबर की, आपके दिमाग में होना चाहिए 30 की आती है ना, उसमें भी 4 यूनिट आती है, वो तो आती है मैथ की और 2 यूनिट आती है उसकी मैथ की शिक्षण वीडियो की, एक एक चीज, और उसमें 4 यूनिट में पहली यूनिट ये है इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरी ये है इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीसरी ये इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चौथी में 5, पहली में 5, इस ये जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ से 5 क्वेश्चन आने, ये पॉइंट पढ़ने के बाद आपका काम होना चाहिए। आप जानते हो कि रीट का एग्जाम होता है वैसे सीटेट का होता है क्या? वैसे हर राज्य में होते हैं, यूपी टेट भी होता है, बिहार टेट भी होता है, उत्तराखंड टेट भी होता है, हर राज्य के अलग अलग होते हैं। एग्जाम का टीचरों का पैटर्न एक जैसा रहता है, थोड़ा सा किसी ने थोड़ा सा सीटेट में थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको थोड़ा सा नीचे पूछ लिया, आपको कभी ज्यादा पूछ लिया उसको थोड़ा कम पूछ लिया। तो आपका काम होना चाहिए वो टॉपिक पढ़ने के बाद आए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपकी दूसरी लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश हो, चाहे वो आपके पर्यावरण हो, चाहे वो सामाजिक हो, कोई सा भी सब्जेक्ट है उसके साथ जो आपने टॉपिक पढ़ा है, जो पॉइंट पढ़ा है,
उसमें एग्जाम में किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे गए और उसके जवाब आप दे पा रहे हो या नहीं, उनके जवाब आप दे पा रहे हो या नहीं। आप उन पेपर को उठाओगे टॉपिक पढ़ने के बाद तो आपको खुद को पता चल जाएगा आपकी कहाँ कमी रह रही है और कहाँ आपको और सुधार की आवश्यकता है, कि कहीं आपकी कोई चीज छूट तो नहीं रही, कहीं कोई चीज आप फालतू तो नहीं जा रहे हो कि हाँ मैंने पढ़ा। तो पढ़ने से नॉलेज तो मिलता है, पढ़ा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कोई चीज छूट जाए। छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि छूट गए तो अगर एक नंबर भी कट गया आपका तो वो क्या है, सबसे ज्यादा नुकसान का। एक नंबर भी अगर कटता है ना तो वो सबसे ज्यादा क्या है, नुकसान का। और अपने दिमाग को एग्जाम के हिसाब से एनी टाइम प्रिपेयर रखना है। होता क्या है, जैसे आज आपके दिमाग में आया, आज आप एक सोच पे आए कि मुझे किसी भी हालत में इस बार एग्जाम निकालना है, इस सोच को लास्ट तक बना के रखना है और लास्ट तक बराबर मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत बार कौन भी पढ़ा पढ़ेगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, बताओ अरे बता दू सचिन तेंदुलकर सब जान दो पक्का पक्का ना, तो सचिन तेंदुलकर कौन है, क्रिकेट महान क्रिकेटर है, बहुत तगड़े क्रिकेटर है। 2007 में 5 अक्टूबर को हैदराबाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वनडे वनडे सीरीज चल रही थी, तीसरा वनडे हैदराबाद के अंदर था, हैदराबाद वाले वनडे के अंदर हुआ क्या ब्रेट बोल तो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, उसने सचिन 43 नंबर पे खेल रहा था उस टाइम बोल्ड कर दिया सचिन को, क्या किया बोल्ड, जबकि आसान काम नहीं था कि सचिन को बोल्ड करना, कैच आउट होना रन आउट होना वो अलग चीज है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को बोल्ड करना अपने आप में क्या था, महान। उस टाइम वो मैच भी हार गए, मैच हार गए जो भी था लास्ट में बैठे, वो तो बोल थी जिससे उसने बोल्ड किया था सचिन तेंदुलकर, वो और जो प्रबंधक थे वहां के उनको साथ में लेके आया और सचिन तेंदुलकर को कहा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन, आप ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, बहुत भी इंपॉर्टेंट दिन है, तो आप मुझे इस बोल पे लिख के दो। सचिन तेंदुलकर ने उस बोल में एक ही बात लिखी कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। क्या लिखा, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। और लास्ट तक उसके बाद वनडे भी हुए, टेस्ट भी हुए, यहां तक कि आईपीएल भी हुआ है, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से रेड होस खेले, लेकिन सचिन तेंदुलकर को बोल्ड नहीं कर पाए, लास्ट तक नहीं कर पाए। क्यों, क्या उन्होंने वो बात कहने के बाद रेस्ट किया गया कि बड़बा जा आपने के बोल दियो तो बोल दियो भाई, एक तो मैं बोल दियो तो बोल दियो, भावना में के बोल दियो कह दियो, तब वो क्या उसे बोल नहीं दे पाते वापस कर लेते, लेकिन उन्होंने बराबर मेहनत रखी लास्ट तक जब तक खेल गेम खेला। और एक ही चीज दिमाग में, एम क्या है, इससे बोल्ड नहीं होना, किसी भी हालत में बोल्ड नहीं होना, तो वो नहीं कर पाया दोबारा बोल्ड। तो वैसे ही कि अपने दिमाग में आज जो आप लेके आए हो ना कि हाँ मुझे रिट में जाना है, मुझे एग्जाम पास करनी है किसी भी हालत में, और मुझे जितने जितना काम दिया जाएगा वो मैं करूंगा, काम दिया जाएगा वो मैं करूंगा, क्योंकि अपने यहाँ का शेड्यूल बहुत ही अलग है। एक तो था कोचिंग में आप 4 महीने पढ़ लिए, 4 महीने पढ़ने के बाद आप घर चले गए जयराम जी की हो गया सिलेबस, उससे कभी सिलेक्शन नहीं मिलता। अपने एक पैटर्न है कि जैसे आप 10 से 15 दिन के अंदर पढ़ोगे, उस 15 दिन के मैटर का एक दिन टेस्ट होगा, उसके बाद 10 दिन में भी हो सकता है और 10 से 15 दिन के बीच में एक दिन होगा ही होगा जो आपको पढ़ाया गया है। अब आप एक चीज देखना, रीट में छोटे लड़के बैठते हैं अपने जैसे हो रही है इसमें बैठ, ठीक है, जैसे नए वाले बैच की बात करूँ तो इसमें कम से कम 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं, ठीक है, तो इस बैच में आराम से 250 से 300 बीच में बैठते हैं। अब आप 300 लड़के एक साथ टेस्ट को, एक साथ टेस्ट, और वो भी कौन से मैटर का, जो आपने सबने बराबर साथ में पढ़ा है भाई, सब एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, और जो पढ़ाया गया उसी का टेस्ट होगा, उसी का क्या होगा टेस्ट, ये नहीं कि पढ़ाया तो है नहीं आउट ऑफ सिलेबस, क्यों, क्योंकि जो पढ़ा रहा वही टेस्ट बना के देगा, फिर लगेगी रैंक कि आप कौन से स्थान पे हो।
आप पहले पे हो, आप लास्ट में हो, या आप कौन सी जगह हो, उससे टेस्ट से क्या फायदा होगा कि आपने जो पढ़ा है आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप उसमें से कितना कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे, क्योंकि पढ़े हुए का है। दूसरी चीज आपको यह पता लग जाएगी, बाई चांस मान लिया कि अच्छा स्कोर कर रहे हो लेकिन कोई कोई पार्ट कमजोर रह गया होगा, भाई टेस्ट में ऐसा तो नहीं बिल्कुल आसान दे दिया, कोई पार्ट ऐसा भी होगा जो आप नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे वो आप किससे पूछ सकते हो, टीचर से डिस्कस कर सकते हो कि सर ये जो पार्ट है ये मैंने किया लेकिन मेरा गलत हो गया, क्या है क्या नहीं है, मैं क्या करूं इसको। अब एक टेस्ट हो गया 15 दिन, आपको सपोज लो रैंक आई है 80 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आपने दूसरा टेस्ट दिया पिछली गलतियों को सुधार के कि नहीं मुझे इस बार आगे जाना है, क्या जाना है आगे, तो आपने अगर 80 से 70 नंबर पे आ गए अगले टेस्ट में तो सुधार है, क्या है सुधार, धीरे 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 आपको वो करना है, कोई चीज कि हाँ मेरी कहाँ कमी रह रही है उसके लिए बार बार टीचर से डिस्कस करो, ग्रुप ऐसा बनाओ कि जो आपको आपकी पहचान दे, क्योंकि ग्रुप जैसे ग्रुप में आप बैठते हो ना वैसा ही आपका माहौल बन जाता है, जैसे ग्रुप में आप बैठते हो वैसा ही क्या बन जाता है माहौल। एक छोटी सी देखो ये क्या है, एक और अब तेरा, मैंने इसके आगे ए लगा दिया, इसके आगे सी लगा दिया, अब क्या है एबीसी, हाँ यानी इस बी की पहचान किससे, ए और जैसा ए और सी था उसी को जैसे क्या निकल गया आपको बी, पर एक्चुअल में बी है, कोई पढ़ेगा जो ना पढ़ेगा बी पढ़ेगा, यानी संगत का असर पूरा पड़ता है, दिखता नहीं है खुद को, वो अलग चीज है। तो आप ग्रुप ऐसा बनाओ कि जैसे आप 5 लोगों के साथ हो जाए लेकिन 5 लोग टेस्ट में क्या आया उसका डिस्कस करो एनी टाइम, टेस्ट में क्या आया, कहां अपनी कमी रह गई, और वो लोग अपने से आगे हैं तो इस बार अगली बार मैं आगे आऊं, अगली बार मैं आगे आऊं, ये एक होना चाहिए। तो आपके जैसे छोटे 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 पार्ट में 3 टेस्ट हो गए, 3 टेस्ट के अंदर टाइम हो जाएगा आपका 1 से 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीने बाद एक कराएंगे मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट का मतलब जितना आपने 1.5 महीने में पढ़ा है वो भी बिना उबासी हुए, 1.5 महीने में जितना पढ़ा है ना उस सारे का टेस्ट, पहले पढ़ा फिर टेस्ट में रिवीजन भी हो गया, प्रॉब्लम भी दिक्कत भी हल हो गई, और फिर अगर टेस्ट देने आओगे तो कन्फर्म है एक बार और पढ़ के आओगे नहीं पढ़ के आओगे, और टेस्ट में पढ़ के आए हैं तीसरी बार रिवीजन हो गया, उस टाइम फिर से आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ हो, आपने पीछे का पढ़ाओ भूले कि नहीं भूले, क्योंकि इस लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर अब पढ़ाओ तो याद रहेंगे 1 महीने वाले, पहले वाले को भूल गए, भूलते क्यों है क्योंकि रिवीजन करते नहीं है, आज क्लास में पढ़ाया उतना पढ़ लिया वो कंप्लीट होते सो जाते हैं आराम से, लेकिन अपने पास अपना बताओ 5 दिन बाद जितना पढ़ाया उसे सारे का टेस्ट होगा, रैंक लगेगी, अपना भी नाम आएगा, या तो नीचे से या ऊपर से कहीं भी सब देखेंगे, तो उसके हिसाब से अपन तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, करोगे और वो तैयारी करोगे तो जो पढ़ाया वो आप भूल सकते हो क्या, नहीं भूलोगे, इस प्रकार पूरे सिलेबस के खत्म होने तक आपको क्या लगेंगे टेस्ट, फिर सिलेबस खत्म होने के बाद, सिलेबस खत्म हो गया तो मतलब ये तो नहीं कहता है जैसे बार बार आप चाहे क्लास में बैठो तो क्लास में तो आप एक चीज जानते हो जितना पढ़ा दिया वही चीज वापस पढ़ोगे, लेकिन बाई चांस कोई टॉपिक आपका छूट गया या कोई टॉपिक में आपकी कमजोरी रह गई, ऐसा तो नहीं ना सारे टॉपिक में अच्छे से आगे होता होगा, कोई एक आधा टॉपिक या कोई चीज अपनी कमजोर रह रही हो उसकी क्लास में आप उसमें बैठ के वो प्रॉब्लम दूर करो, और उसके बाद भी कंटिन्यू टेस्ट होंगे लास्ट तक जब तक एग्जाम ना, यानी पढ़ाई से कंटिन्यू जुड़ा लास्ट तक रहेगा। तो ये अपना जो तरीका है ये अपन लेके चलेंगे लास्ट, ये अपन क्या करेंगे लेके चलेंगे,
सब्जेक्ट पढ़ाने के मामले में और आपके पढ़ने में 1% भी आपके प्रॉब्लम नहीं आती। 1% प्रॉब्लम कैसे आती है? देखो क्या होता है कि बार स्टूडेंट को लगता है कि वो छोटे छोटे यहाँ ऑफिस में बार बैठता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक दो चीजें सुनने को मिलती है कि गुरु जी झटका मास्टर पहले दिन पढ़ावा है वही मास्टर पढ़ावा है। जो मास्टर पहले दिन पढ़ाता है वही मास्टर अंत तक पढ़ाता है या नहीं? तो अपनी एक चीज ये जो शुरू में पढ़ाता है वही लास्ट तक पढ़ाएगा। यहां तक कि अगर कोई चीज आपको किसी टीचर की कम समझ में आई कि नहीं सर ये मैं समझ ही नहीं आ रहा तो उसमें आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया एक नंबर के मास्टर अपने आप एक नंबर के टीचर आपको अवेलेबल है। एक नंबर पे जैसे मैं कहूँ कि हाँ आपको पढ़ने के बाद ये लगेगा कि वास्तव में मैं पढ़ के आया हूँ, वास्तव में मेरी कमजोरी क्या हुई, इस सब्जेक्ट में अगर मैं कमजोर था तो क्या हो गया, हल हो गई, अब मेरे सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो चलो भाई अपने तो पढ़ाई तो क्लास में करेंगे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा है मैथ, मैथ गिनती की याद करना जरा एक बार और बाकी ऐसे ठीक है। चलो ठीक है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा है जितना बोर्ड पे चलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है तो अपना बैच जो शुरू होगा रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं इसके और ये बैच की क्लासेस होंगी 18 तारीख से। कब से चलेंगी? 18 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना सारे और 18 तारीख को 12 बजे से ही क्या चलेगी क्लास। कितने बजे से चलेगी भाई? अरे कितने बजे से चलेगी? टाइम याद रहेगा पक्का? डेट? अरे डेट कितनी? पक्का? और सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखना कि जिस दिन आओ तब से अब भी एक टारगेट है वो लाख में रहना चाहिए कि पहली बार में अपने ऐसा सिलेक्शन देंगे कि सबसे ज्यादा एक बैच में क्या होता है एक फोर्स होती है आदमी एक बैच में 2-3% सिलेक्शन होते हैं। देखो नॉर्मल सी बात कहूँ मैं क्यों क्योंकि सीट तो इतनी सी आती है मेहनत करने वाले सारे हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन मेहनत कंटिन्यू जो लास्ट तक रहता है ना वो 100% सिलेक्शन देता है 101% क्या देता है सिलेक्शन। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको ये लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं क्योंकि एक तो होता है कि पहले से मन में होता है कि ये सब्जेक्ट मेरे कम आएगा ये आएगा तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हर सब्जेक्ट जीरो शुरू करना ग्रेड का है यानी बेस से क्या किया जाएगा शुरू किया जाएगा जो आधार उसका एकदम से आधार से शुरू किया जाएगा और एंड तक ले जाया जाएगा जहां तक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जितने हो सके लास्ट जैसे सिलेबस होता है उसी मॉडल में करते हैं छोड़ दिया लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं होगा। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा आपको अलग से एक बंडल ओढ़ दिया जाएगा कि जैसे अपने सब्जेक्ट में मैथ में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे एग्जाम के वो साथ में अलग से दे दिए जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट के आती है आदि कोचिंग वाले शिक्षण विद्या पढ़ाते ही नहीं है। टीचिंग मेथड ऐसा कोई नहीं होगा जिसके नहीं आते हो सब में आते हैं। जैसे बात करूँ मैथ में भी आते हैं तो 2 मिनट आते हैं 5-10 नंबर के आते हैं हिंदी में भी आते हैं अंग्रेजी में भी आते हैं सब में आते हैं SST में भी आते हैं सब में आते हैं। तो शिक्षण विद्या भी उनके क्वेश्चन भी अगर आप मार्केट में जाकर देखते हो तो आपको ढंग से कोई किताब नहीं मिलती 100-50% नहीं मिलते उनके भी प्रश्न आपको लास्ट में इकट्ठे एक साथ बोल दिए जाएंगे क्लास में पढ़ाए जाएंगे वो तो अलग है उसके बाद में अलग से क्वेश्चन और प्रोवाइड करवाए जाएंगे कि भाई कोई कमी ना बचे आपका सिलेक्शन क्या हो बुरा हो क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपके ऊपर ही टीचर डिपेंड रहता है क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो उससे एक तो आपके घर वालों को खुशी होती है और दूसरी किसी को खुशी होती है टीचर को खुद वो तो बल्ले बल्ले ही है। तो दूसरा जो होता है वो आपका टीचर होता है जिसको सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो भाई हम मिलते हैं अपन कितनी तारीख को कब मिलेंगे 18 12 बजे 18 को 12 बजे पक्का चलो भाई।